जन्म कुंडली में आसुर योग कैसे बनता है। जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में अच्छी स्थिति में हो, अष्टम भाव में कोई एक शुभ ग्रह विराजमान हो, साथ ही अष्टम भाव या अष्टमेश पर किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तब ये बन जाता है आसुर योग। आइए एक जन्म कुंडली के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप मेष लग्न की जन्म पत्रिका देख रहे हैं, जहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, आठवां घर में आठ नंबर लिखा हुआ है, तो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, दशम स्थान में उच्च भाव में बैठे हुए हैं और आठ नंबर पर बुध विराजमान है, चतुर्थ भाव में बृहस्पति विराजमान है, तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर है और अष्टमेश पर भी है, ये बन जाता है आसुर योग।